कोरोना का ये खौफनाक मंजर कब गुजरेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। इस पर कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च ने जवाब दिया है। कैम्ब्रिज ट्रैकर के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का पीक यानी चरम आ चुका है। इस संस्थान ने एक नए ट्रैकर डेटा से मिले रिसर्च के आधार पर ये जानकारी दी है। और सिर्फ एक संस्थान ही नहीं बल्कि कोरोना पीक को लेकर ये अच्छी खबर कई वैज्ञानिक बता रहे हैं। कोरोना के डेटा पर काम करने वाली विशेषज्ञ भ्रमर मुखर्जी भी मानती है कि कोरोना का पीक जा रहा है, लेकिन ये वो वक्त है जब हम उम्मीद को कायम रखते हुए सावधान रहें। दरअसल समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक कैम्ब्रिज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना केसेस का नया पीक आ चुका है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े में फर्क देखा जा रहा है। अगले दो हफ्तों में कुछ राज्यों जैसे कि असम, हिमाचल, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मामले बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि असम और तमिलनाडु वो राज्य हैं जहां पर अप्रैल के महीने में खूब चुनावी रैलियां भी हुई और वोट भी डले। भारत में सबसे ज्यादा मामले 7 मई को दर्ज किए गए। उस वक्त एक दिन में 4,14,188 केसेस सामने आए थे। हालांकि वहीं दूसरी ओर वायरस के संक्रमण के डेटा पर काम करने वाली भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि भले ही इस वक्त स्थिति बेहतर दिखाई दे रही हो, लेकिन आशा के साथ सावधानी और तैयारी जरूरी है। भ्रमर मुखर्जी के मुताबिक कोरोना की पीक आकर इसी हफ्ते गुजर सकती है। हालांकि अभी भी भारत में कोरोना के केसेस रिकॉर्ड आ रहे हैं जो अस्पतालों के लिए बोझ बन रहे हैं। कोरोना के केसेस ज्यादातर कुछ राज्यों से ही आ रहे हैं। इसके साथ ही वो कहती हैं कि जब तक अस्पताल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं तब तक कोरोना से हो रही मौत को रोकना मुश्किल है। हेल्थ वर्कर्स पर ध्यान रखना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। वो ये भी कहती हैं कि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर भी यही वक्त है जब हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। इसके लिए लंबे समय के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाना होगा। दो वी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, कोरोना के नए वेरिएंट और वैक्सीन। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का ध्यान रखना और जिनके अपने इस लहर में दूर जा चुके हैं उनकी मदद करना। और देश इस वक्त कोरोना की वजह से अभी भी बुरे दौर में है, इसलिए कोरोना से निपटने की प्लानिंग करनी चाहिए और समय से पहले ही विजय घोषित करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना और पुदुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं 14 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। यहां पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। इसलिए जब तक ये कोरोना की पीक है और जब तक कोरोना हमारी जिंदगी से बाहर नहीं निकलता, तब तक आपको अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है।